हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसुंदर स्वामी। अपन वर्क कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए और मैं वेरी इंपॉर्टेंट मैक लेके आया हूँ 3, जो एक ही प्रॉपर्टी के बेस पर है, डिवीजन प्रॉपर्टी के बेस पर, और इसकी एप्लीकेशन भी कह सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। क्लियर है? क्या है? टू दैट 0 की पावर -at - bt / t का डिवीजन है। यहाँ पर dt = ये प्रूव करना है। सेम ऐसा ही ये निकल है, यहाँ पे टी का डिवीजन है, ये प्रूव करेंगे अपन। सेम ये वाला डिवीजन है अपने पास फंक्शन, इसका वैल्यू π/4 प्रूव करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखते हैं अपन। ठीक है, तो 3×3 सेम ही टाइप से, तो यहाँ से टू वेरिएबल में सॉल्व आउट कर रहा हूँ। इसी बात को आप सॉल्व आउट करके देखना और उसको फिर बिल्कुल सेट करना एक कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट बार देखो सॉल्व आउट करने के लिए, तो सॉल्व आउट कर रहा हूँ फर्स्ट के लिए। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्या है अपने पास? फर्स्ट के लिए यानी अपने पास जो वैल्यूज है लेट कर सकते हैं हम। i = ये मान लिया मैंने 0 से ∞ e की पावर माइनस का at माइनस e की पावर माइनस का bt अपॉन में t dt इज इक्वल टू log b अपॉन में t। ये तो क्लियर है 0 से इंफिनिटी तक लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज किया है इसने। क्लियर है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी का यूज करें अपन। तो सॉल्यूशन की बात करूं तो यहां पर मानेंगे आप लेट, अगेन f की पावर माइनस का at माइनस का bt। अब इसका क्या लेते हैं अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा इसका? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। क्या होता है? 1/s + a (1/s + b) ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft इसके टू क्या होता है f(s) इसकी डेफिनेशन होती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft = f(s)। तो यहां से ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास। अब क्या होता है? डिवीजन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अपन, क्योंकि अपने पास क्या है ft / t है। यहां पर क्या लिखेंगे आप? डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft / t क्या हो जाता है s → ∞ fs और ये ds। फिर वहां यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft / t = s → ∞ fs / ds होता है। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे आप। ft की वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। ft ये वाला है e की पावर माइनस का at - e की पावर माइनस का bt / bt। फिर अब इस साइड पे वैल्यू देखिए आप s → ∞ fs क्या है मेरे पास? ये वाली वैल्यू है। वैल्यू पुट करेंगे आप 1/s + a - s + b और ये ds। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आ रहा है, ये आप थोड़ा 1 ले सकते हैं, इसको आप 2 ले सकते हैं अपन, और ये सॉल्व करेंगे अपन। क्लियर है? यानी ये वाला नहीं, डिजिटल प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे, इसके अंदर ये वैल्यू पुट अप की अपन ने। और नेक्स्ट वाला निकल देखिए आप, इससे नेक्स्ट क्या लेंगे आप? ये हटा देता हूँ मैं इसका ना, ये स्पेस का रहता है बिल्कुल। क्या रहेगा नेक्स्ट के लिए? इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए की पावर -at - bt अपॉन में टी सॉल्व आउट करें थे अपन यूजुअल प्रॉपर्टी से s → ∞। अब देखो 1/x इसका क्या होता है? लॉग। तो ये आएगा अपने पास लॉग s + a - लॉग s + b और इसकी जो लिमिट है अपने क्या है? s → ∞। अब यहां से लॉग m - लॉग n क्या होता है? लॉग m - लॉग n लॉग m / n तो वैल्यू क्या आएगी? लॉग s + a / s + b और इसकी जो लिमिट है अपने पास s → ∞। तो ये आपको समझवाना चाहिए यहाँ पर। देखो अब इसके अंदर देखिएगा, अगर मैं अपर लिमिट यूज कर दूं यहाँ पर s → ∞ कर दूं तो लॉग इन्फिनिटी हो जाएगा, और लॉग इन्फिनिटी क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो इस वाले कंसेप्ट को आपको रिमूव करना पड़ेगा, जो कहते हैं अपन डाइवर्जेंट वाली कंडीशन आ जाती है, तो इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं, ये से डाल देता हूँ इसको, क्या रहेगा इसमें? क्या रहेगा बीच ये वहां पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। लॉग इनफाइनाइट क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो वी राइट हियर लॉग, इसको अपन लिखते हैं s को कॉमन ले लिया जैसे, सॉरी और तो क्या आ जाएगा यहां पर 1 + a / s हो जाएगा। यहां से s कॉमन ले लूंगा 1 + b / s और इसकी लिमिट है s → ∞।
अब देखो यहाँ से एस से एस टू कैंसिल आउट हो गया, यदि एस से एस कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं, क्योंकि अपन वैल्यू है कि ए फोर पे इंडिफाइनाइट क्या होता है जीरो, क्लियर है। तो ये वाला कांसेप्ट एस टू अपर लिमिट रखेंगे अपन, तो इस साइड में सॉल्व आउट करता हूँ, इसको भी देख सॉल्व आउट करेंगे अपन। तो तीनों का कांसेप्ट सेम ही है और तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नेक्स्ट के लिए ये तो अपने पास क्या था एस प्लस बी था, तो यहाँ से नेक्स्ट क्या ले रहा हूँ वैल्यू जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करे थे अपन e की पावर माइनस का ए टी माइनस e की पावर माइनस का बी टी अपॉन बी टी, यहाँ से अपर लिमिट यूज करेंगे आप, मतलब अपर लिमिट यूज करूंगा तो ए पावर इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बी पॉइंट, ये भी जीरो हो जाएगा तो लॉग वन आ जाएगा, लॉग वन क्या होता है जीरो, तो अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से एस लॉग वन आएगा माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे एस को आप एस से रिप्लेस करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, यानी लॉग वन प्लस का ए पॉर में एस वन पॉर में बी ए पॉर में एस, तो ये आपको समझ आना चाहिए अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट की है मेरे, लॉग वन जीरो होता है जीरो हुआ, इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे तो ये तो सेम भी आ जाएगा, तो इसको सॉल्व आउट किया है यानी इसको मैं ब्रैकेट में यूज कर लेता हूं, लॉग एस प्लस ए अपॉन में एस प्लस बी ए हुआ, और ये बाहर माइनस है तो लॉग एम माइनस एन, ये तो अपन वैल्यू है कि लॉग एम बाई एन क्या होता है लॉग एम माइनस का लॉग एन हुआ, और इसी टाइप से ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस का है इसको मैं लिख देता हूँ लॉग एस प्लस का ए माइनस लॉग एस प्लस का बी, और माइनस को आप इंक्लूड करेंगे तो वैल्यू आ गई मेरे पास एस प्लस का बी माइनस का लॉग एस प्लस का ए, और थोड़ा फास्ट लॉग एस प्लस का बी अपॉन में एस प्लस का ए, तो ये आपको समझ होना चाहिए क्या बच्ची है। अब देखो यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है वो अपन वैल्यू है ये यहाँ पर अप्लाई करूँ, ये क्या अपने पास लाप्लास ऑपरेटर, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको अपन, जीरो से इनफाइनेट e की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर जो भी अपने पास एफ टी होता है e की पावर माइनस का ए टी माइनस का बी टी अपॉन बी टी और यहाँ से डी टी, क्योंकि अपन वैल्यू है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है यहाँ लिख देता हूँ क्या डेफिनेशन होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, जो भी अपन एफ टी है जीरो से इनफाइनेट e की पावर माइनस एस टी एफ टी और ये डी टी, तो ये वाली वैल्यूज होती है जो भी एफ टी है यहाँ पर एफ टी आ जाएगा अपने पास, ये एफ टी की जगह क्या है ये वाली वैल्यूज है, तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी पास e की पावर माइनस एस टी डी टी, ये जो भी एफ टी है यहाँ पर। अब यहाँ से कंपेरिजन करें अपन तो क्या चाहिए अपने को बी ए फोर है यानी एस क्या होना चाहिए आपके पास, तो यहाँ से एक बार और लिख देता हूँ उसको क्या है जीरो टू इनफाइनेट e की पावर माइनस का एस टी e की पावर माइनस का ए टी माइनस का बी टी अपॉन में टी और ये डी टी। अब कंपेरिजन करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट था अपने पास वो बी अपॉन ए में था और ये वाले टर्म्स नहीं थे अपने पास, ये वाले टर्म्स, तो क्या लेंगे आप टेकिंग एस इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू आप जीरो पुट अप करेंगे तो अपने पास जो रिक्वायर्ड है वो रिजल्ट आ जाएगा, क्या रहेगा इसके अकॉर्डिंग अगर अपन ये एस इज इक्वल टू जीरो लेते हैं क्या रहेगा जीरो टू इनफाइनाइट e की पावर जीरो वन, मेरे पास यहाँ से e की पावर माइनस का ए टी माइनस का बी टी अपॉन में टी डी टी, इस वाले डेरिवेटिव की वैल्यू रिक्वायर्ड थी अपने को, यहाँ से एस जीरो करें आप तो ये एस जीरो ये एस जीरो, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ से लॉग बी अपॉन में टी, तो ये इसके डायर में देखिए आप सिंपल था एक्टिव वाली या टी का डिविजन वाली प्रॉपर्टी यूज की अपन ने और लास्ट में ये डेफिनेशन यूज करने और एस की जो भी वैल्यूज है रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग अपन ने एस इक्वल टू जीरो पुट किया तो वी गेट द रिजल्ट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वाला देखो आप ये वाला सॉल्व करें अपन, नेक्स्ट इसको बता रहा हूं क्या रहेगा नेक्स्ट वाले इक्वल के लिए, नेक्स्ट वाला इक्वल ये बता देता हूं फिर इसको सॉल्व करें क्योंकि इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, ये यहां भी अप्लाई करेंगे अपन तो नेक्स्ट के लिए सेकंड वाला स्वरूप थर्ड वाला स्वरूप सॉल्व करें अपन, क्या रहेगा लेट ले लेंगे आप आई इज इक्वल टू ये लिया अपन ने जीरो टू इनफाइनेट ई की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन में टी डी टी इज इक्वल टू ये प्रूव करना है अपने रिजल्ट बाद में, ठीक है तो ये वाला सॉल्व करें। अब देखो इसे कंपेरिजन करें अपन इसका, ये तो रिक्वायर्ड डेफिनेशन होती है लाप्लास की, इसका कंपेरिजन करें
तो एस किसी के अवध है, ई की पावर माइनस टी तो अपने को रिक्वायरमेंट है, एफ टी के अवध साइन टी अपॉन में टी, यानी इस एस किसी के मैं 1 पुट कर दूं तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, और एफ टी क्या लेंगे फिर, एफ टी साइन टी अपॉन में टी है, तो यानी इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो यहां से लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू अपन साइन टी ले लें, इसके बाद प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ड्यूजन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी तो साइन ए टी का अपन ये वैल्यू है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, साइन ए टी क्या होता है ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, क्लियर है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, यहां पर ए टी लेके यानी ये वाला ले लिया हमने साइन टी, और इसके वैल्यूज क्या होती है 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का 1, इसको हम क्या कह सकते हैं एफ ऑफ एस, और ये एफ टी है, ये क्या होता है एफ एस, तो डिफरेंस भी होती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft is equal to f of s, ये तो डिफरेंस होती है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे आप, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो अब डाउ बाय द डिविजन प्रॉपर्टी, डिविजन प्रॉपर्टी क्या होती है लाप्लास की, ये भी लिखी है हमने डिविजन प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft / t, ये तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, क्या रहेगा s to infinite fs और ये ds, तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट अप करेंगे 1 और 2 से, रिजल्ट क्या रहेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f t sin t है यहां t का डिविजन किया अपन ने s to infinity fs की वैल्यू ये है 1 अपॉन में 1 + s स्क्वायर 1 + का s स्क्वायर और ये ds। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, इस टाइप का मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। तो 1 और 1 प्लस एस स्क्वायर क्या होता है इसका tan इनवर्स, इसका डेरिवेशन क्या होता है tan इनवर्स 1 / सॉरी tan इनवर्स x, tan इनवर्स s आ जाएगा और उसकी लिमिट आ जाएगी मेरे पास s टू इनफिनिटी। तो ये आपको ये सॉल्व होना चाहिए। अब यहां से अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट में यूज कर देता हूं tan इनवर्स इनफिनिटी माइनस का tan इनवर्स s, और ये क्या होता है मेरे पास pi / 2 होता है और ये tan इनवर्स s, तो ये अपन वैल्यू है, तो यानी इसका रिजल्ट ये आ गया मेरे पास, यानी b से डैट सॉल्व आउट करेंगे अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म को sin t / t के लिए, और रिजल्ट क्या है मेरे पास यहां से pi / 2 माइनस tan इनवर्स s के बाद अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ये वाली डेफिनेशन यूज करूंगा, जब यहां पर ये f t है तो ये वाला f t आता है मेरे पास, बाकी सब फिक्स होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे 0 टू इनफिनिट e की पावर माइनस का s t, f t क्या है sin t / t, यानी लाप्लास ऑपरेटर इसको डिफाइन कर दिया dt pi / 2 माइनस का tan इनवर्स s, क्लियर हुआ। अब आप इसका कंपैरिजन करेंगे इससे जो बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, देखो यहां से 0 से इनफिनिट लिमिट सेम है, sin t / t भी आ रहा है, dt है। अब यहां पर देखो ये e की पावर माइनस t है, यहां पर पेरा e की पावर क्या है माइनस t, लेकिन अपने पास क्या है st, यानी आपको s क्या लेना पड़ेगा इसके अंदर 1, ठीक है। तो बाय कंपैरिजन कह सकते हैं अपन बाय कंपैरिजन टेकिंग s इज इक्वल टू 1, तो आप s में 1 पुट करेंगे तो ये वाला रिजल्ट दोनों सेम आ जाएंगे अपने पास, और इसकी रिजल्ट के लिए रिक्वायरमेंट थी, ये तो यहां से डाल देते हैं अपन। जैसे 0 टू इनफिनिट e की पावर माइनस t रहेगा sin t / t और ये dt, इस केस में pi / 2 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स 1 क्या होता है pi / 4, तो यहां से अपने पास क्या रिजल्ट आ गया pi / 4, तो ये अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव ठीक है, तो pi / 2 माइनस से pi / 4 एलसीएम लेते हो जाएगा। तो ये तो 3 डिफिकल्ट सेम ही थे, अपन ने फर्स्ट और थर्ड सॉल्व किए, सेकंड वाला आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करना और वैल्यू को मैच करना, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और फिर इसको भी सॉल्व करेंगे अपन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, थैंक यू वेरी मच।